सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको डबल बॉयलर पे रख के इसको बीट कर रहे हैं, और मुझे आपको ये बताना था कि फ्लेम को आपको लो रखना है। अभी इसको अच्छे से आपको बीट करना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब हम लोग अच्छे से बीट करने के बाद हम डाल रहे हैं 1 कप चीनी, और फिर इसको अच्छे से बीट करिए। अब ये अच्छे से हमें मिक्स करते रहना है। अभी अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। अभी हम लोग डालेंगे इस पूरी रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो के है लेमन जूस, और आपको डालना है 2 टेबलस्पून लेमन जूस के, और फिर इसको फिर से आप अच्छे से मिक्स करिए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करिए क्योंकि ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है लेमन जूस। अब हम लोग जो हमने केक का जो बैटर बनाया है अब वो पूरा हम लोग इस सांचे में डाल रहे हैं, ओके, ताकि हम लोग इसको अभी ओवन में रखें, ओके। तो हमें पूरा जो हमने केक का जो बैटर बनाया है सब इंग्रेडिएंट मिक्स करके आपको उसको ये पूरे सांचे में डालना है, ओके। अब आपको पहले जो ओवन में इसको रखने से पहले आपको प्रीहीट करना है 180 डिग्रीज के लिए, जो कि आप देख सकते हैं हमने इसको ऑलरेडी रखा है उसको। तो अब हमने जो केक का बैटर है वो ओवन में रख के 180 डिग्री पे ओवन को सेट कर दिया है। अब हम लोग ओवन को स्टार्ट, हम लोग को ये अभी हम 20 मिनट बाद अभी हम इसको निकालेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे कि ये कैसा बना है अच्छे से केक। अभी 20 मिनट के बाद अब 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको स्टॉप करके अभी हम लोग इसको निकालेंगे। अभी ये हमने निकाला है तो अब ये केक बन गया है हमारा। अभी ये हमने केक निकाला है तो अब हम इसको ना ये हमने 20 मिनट बाद ओवन से निकाले और ये बहुत अच्छा बना है, तो अब हम आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। पहले आपको इसको कट कर लीजिएगा। तो अब ये जो है ना ये एक पीस हमने काटा है, अब आप इसको पीसेस काट के इसके अंदर रख भी सकते हैं और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। अभी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड गिव अस अ थम्स अप। तो अब ये अच्छा सा केक बना है जो कि आप अपने घर में बहुत इजीली बना सकते हैं, और ये बस 4 इंग्रेडिएंट्स का था। तो आई होप यू लाइक इट, और ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक